प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस यूसर के व्याख्यान माला में आपका स्वागत है। बच्चों हम जो रसायन विज्ञान पढ़ते हैं वो कई बार हमें समझ में नहीं आता है, बुक्स में भी समझ में नहीं आता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्लासेस में हम झिझक के कारण या किसी और वजह से अपने शिक्षक से उसका कोई भी जो व्याख्यान उन्होंने दिया है उस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसकी बैकग्राउंड जो नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, वो उतनी नहीं होती है। अमूमन रसायन विज्ञान को, केमिस्ट्री को थोड़ा सा टिपिकली भी समझते हैं, जबकि इतना टिपिकल सब्जेक्ट नहीं है। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसी क्रम में आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर शिवा अग्रवाल जी मौजूद हैं, जो आज रसायन विज्ञान विषय पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन विषय पर अपना व्याख्यान देंगे, जिसके अंतर्गत आप रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत जितने भी हमारे तत्व हैं उनकी जो पीरियडिक प्रॉपर्टी है, आवर्ती गुण है उनके, उस पर प्रकाश डालेंगी और आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि इन बेसिक प्रॉपर्टीज की वजह से उन तत्वों के क्या विशिष्ट गुण, रासायनिक और भौतिक रासायनिक गुण होते हैं। साथ ही साथ इसी क्रम में मैं छोटा सा संक्षिप्त परिचय भी मैम का कराना चाहूँगा। डॉक्टर शिवा अग्रवाल जी ने IIT रुड़की से अपना जो रिसर्च का कार्य है, PhD है, वो कंप्लीट किया। तत्पश्चात आप पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए लिस्बन चली गई, वहाँ आपने जर्मनी में जाकर के भी कुछ शोध कार्य किया। साथ ही साथ लौटने के पश्चात आपने यहाँ हरिद्वार में चिन्मय डिग्री कॉलेज में भी शिक्षण कार्य किया है। साथ ही साथ आपने MSc के तदुपरांत नेट एग्जाम जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा होती है UGC की, उसको भी क्वालिफाई किया हुआ है। साथ ही साथ आप का जो रिसर्च बैकग्राउंड है वो एडजॉर्प्शन यानी वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, जिस पर आपने काफ़ी अच्छा कार्य किया है। बहुत सारे अच्छे से अच्छे जर्नल्स में आपका प्रकाशन है। तो मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे बच्चों को आप रसायन विज्ञान को किस उस तरह से समझाएंगी कि बच्चों को वो केमिस्ट्री जो क्लास में समझ में नहीं आती है, बुक्स में कठिन लगती है, वो आपके द्वारा समझाई जाएगी तो और अच्छी समझ में आएगी, ऐसी आशा करते हैं। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर। मैं आशा करती हूँ मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आएगा। आज के इस लेक्चर में हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ये छोटा सा ही लेक्चर है एक, इसमें हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो कि पीरियोडिक टेबल में किस ट्रेंड में चेंज हो रही हैं इसके बारे में हमें पता चलेगा। तो क्योंकि वो एटॉमिक प्रॉपर्टीज पीरियोडिक टेबल में किस तरह से चेंज हो रही हैं उसकी वजह से हम इन्हें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। चार पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं। पहली एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, दूसरी आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी, तीसरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और चौथी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये चार पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं जो इस टॉपिक के अंडर कवर की जाएंगी। इस लेक्चर में सबसे पहले मैं एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस कवर करेंगे। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस से आपको पता चल रहा है कि हम रेडियस की बात कर रहे हैं, यानी कि किसी गोल सी चीज़ की बात कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी सर्कल या स्फेरिकल चीज़ को नापने के लिए आप लेंथ या ब्रेथ तो देख नहीं देखते, आपको क्या चाहिए होता है, आपको रेडियस चाहिए होता है। रेडियस क्या होता है? वो डिस्टेंस जो सेंटर से पेरीफेरी तक होता है, ठीक है। तो अगर आप एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं यानी कि आप एटॉमिक साइज की बात कर रहे हैं, एटम आप कैसे कंपेयर करेंगे कि दो एटम कैसे हैं, ये छोटा है बड़ा है, आपको कैसे पता चलेगा? आपको एक डायमेंशन तो चाहिए, आपको एक रेडियस पता होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये वाला एलिमेंट का एटम छोटे होते हैं, इस वाले एलिमेंट के एटम बड़े होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, एटम कैसा होता है? बीच में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके आसपास उसके सर्कुलर या स्फेरिकल एरिया में ऑर्बिट में चक्कर काटते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर, इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं, वो इधर उधर नहीं घूमते, वो एक ही उसमें चक्कर काटते रहते हैं। जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम, सन हमारा न्यूक्लियस है और अर्थ उसका इलेक्ट्रॉन,
जो कि एक ही ऑर्बिट में घूमती रहती है। ठीक है, अगर ऐसा मॉडल है तो हमारे पास आसानी है कि हम इसका एटॉमिक रेडियस निकाल लेंगे। ये फिक्स्ड ऑर्बिट है, फिक्स्ड ऑर्बिट का मतलब इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट, एक पाथ, एक सड़क में घूम रहा है, तो हम पता कर सकते हैं कि इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना डिस्टेंस है। पर देयर इज अ बिग बट, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में नहीं घूम रहा है, उसकी इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है किसी भी टाइम फिक्स नहीं है। अगर ये न्यूक्लियस है तो कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ है, कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ है, कभी यहाँ है, तो उसका कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि न्यूक्लियस के आसपास का जितना एरिया है उसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है, यानी इलेक्ट्रॉन किसी भी जगह पाया जा सकता है, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर सड़क नहीं है। जब एक पर्टिकुलर सड़क नहीं है तो आप रेडियस कैसे नापोगे, रेडियस नापना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, अच्छा, तो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हम फिक्स पाथ नहीं है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का फिक्स पाथ नहीं है, तो हमें रेडियस कैलकुलेट करने में बड़ी मुश्किल होगी। दूसरा, किसी भी एक सिंगल एटम को आप आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बंच ऑफ बॉल से आपने एक बॉल निकाली और उसका आपने नाप वाप लिया और वापस डाल लिया। एटम बहुत छोटी चीज है और एक सिंगल एटम को स्टडी करना मुश्किल है। तो अब क्या करें, इसका मतलब कि रेडियस पता करना मुश्किल है। रेडियस पता करना अगर इम्पॉसिबल लग रहा है तो कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए ना, जिससे कि जिसके बेसिस पे हम ये कह सकें भाई कि ये एटम छोटा है, ये एटम बड़ा है। ठीक है, तो दो ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट्स रखे गए। पहला, कोवेलेंट रेडियस। अब हम जो ये रेडियस कैलकुलेट करेंगे वो सिंगल एटम का नहीं होगा, वो कैलकुलेशन करते टाइम मॉलिक्यूल में होगा, और नाम से पता चल रहा है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल होगा। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन अकेला तो नहीं घूमता है एनवायरनमेंट में, हाइड्रोजन हमेशा दो में घूमता है, और जब दो हाइड्रोजन एटम होते हैं तो वो दोनों कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। वो दोनों कोवेलेंट बॉन्ड बना के घूमते हैं हमेशा। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब भी आपको कहीं मिल पाए जाते हैं किसी एनवायरनमेंट में या कहीं पर भी, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बना के रहते हैं। तो अब हम हाइड्रोजन का, अगर हमें न्यूक्लियस निकालना है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस मॉलिक्यूल को स्टडी करें। सिंगल एटम स्टडी करना मुश्किल था तो हमने मॉलिक्यूल उठाया। चूंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है इसलिए इस रेडियस, जो इससे रेडियस पता लगेगा उसका नाम कोवेलेंट रेडियस हो गया। अब हमने क्या करा, एक्सरे डिफ्रेक्शन की हेल्प से इस मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ पता कर ली। ये दोनों की न्यूक्लियाई है, इन दोनों के बीच की न्यूक्लियाई की डिस्टेंस पता कर ली, बॉन्ड लेंथ पता चल गई, वो आई आपकी 0.74 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड लेंथ थी वो क्या थी, इसका रेडियस और इसका रेडियस का सम था। ठीक है ना, तो अगर सिंगल हाइड्रोजन एटम का रेडियस निकालना है तो क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कोवेलेंट रेडियस होगा हाइड्रोजन एटम का। तो हाइड्रोजन एटम आपने देखा, हमने सिंगल लिंक एटम स्टडी करा, हमने मॉलिक्यूल स्टडी करा जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड थे, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे थे बीच में, और उन शेयरिंग की वजह से एक कोवेलेंट बॉन्ड बना था। बॉन्ड लेंथ हमने नापी एक्सरे डिफ्रेक्शन की वजह से, और उस बॉन्ड लेंथ को आपने हाफ कर दिया और आपका एटॉमिक रेडियस आ गया, कोवेलेंट रेडियस आ गया। अब तो ये बात हुई उन मॉलिक्यूल्स की जो कि डायएटॉमिक फॉर्म में मिल रहे हैं, पर उनका क्या जो कि डायएटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं बनाते, जैसे कि कार्बन। कार्बन तो C2 नहीं बनाता, C2 की फॉर्म में नहीं मिलता है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ मॉलिक्यूल्स बनाता है CH4
तो उस केस में हमने क्या करा, हमने हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस पता चल गया। अब हम इसकी बॉन्ड लेंथ पता करके कार्बन का एटॉमिक रेडियस निकाल सकते हैं। इसकी वजह से हम कहते हैं कि कोवेलेंट रेडियस एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। मतलब कि अगर आपको ए पता है और आप उसका सम पता है तो आप बी निकाल सकते हो। ठीक है, अब आपको बॉन्ड लेंथ आप निकाल सकते हो। आपको मीथेन मॉलिक्यूल तो मिल गया, मीथेन मॉलिक्यूल स्टडी कर सकते हैं। मीथेन मॉलिक्यूल का एक्सरे डिफ्रेक्शन से बॉन्ड लेंथ निकाला आपने, ये बॉन्ड लेंथ निकाला एक्सरे डिफ्रेक्शन की हेल्प से, मीथेन मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ निकाला आपको, ये बॉन्ड लेंथ आर सी एच पता है, जो कि है 1.14 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब आर सी एच किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ कार्बन प्लस रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, यही तो होता है ना, रेडियस ऑफ कार्बन प्लस रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। अब आपको पता था कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 0.37 एंगस्ट्रॉम, आप इसमें रखेंगे, ये आपको पता है एक्सरे डिफ्रेक्शन की हेल्प से, तो आप रेडियस ऑफ कार्बन निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कार्बन आया 0.77 एंगस्ट्रॉम समथिंग। ठीक है, तो आपने डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स की तो आराम से निकाली कोवेलेंट रेडियस, उसकी हेल्प से आपने उन मॉलिक्यूल्स को स्टडी करा जिसमें जिनके आपके डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स नहीं मिलते हैं। आपने कार्बन का भी निकाल लिया, आपको C2 मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, लेकिन आपने इसकी हेल्प से कार्बन का भी एटॉमिक रेडियस निकाल लिया। ठीक है, अब कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं एक एग्जाम्पल है ए बी एक कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल है जिसमें कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि ए की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर बी से ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन देखते ही वो ऐसे करता है, आओ आओ मेरे पास आओ। ठीक है, अगर ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अगर इसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं, दोनों दो इलेक्ट्रॉन बीच में हैं, एक इलेक्ट्रॉन ए का है एक इलेक्ट्रॉन बी का है, पर दोनों ने भाईचारे रखा और कहा कि भाई तुझे भी दो इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे भी दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हम दोनों ऐसे करते हैं बीच में रख देते हैं। उसने कहा ठीक है, दोनों ने म्यूचुअली शेयर कर दिए इलेक्ट्रॉन, पर ए कितना चालू है उसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा पसंद है, तो वो क्या करता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ए के पास इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ए की तरफ शिफ्ट होते हैं, ए के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज बन जाता है, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए तो ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ए की तरफ शिफ्ट होते हैं ए के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और बी के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे ही इन दोनों के ऊपर पार्शियली चार्ज आता है ये दोनों एक दूसरे की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अभी तो दोनों ने भाईचारा रखा हुआ था, दोनों सफिशियंट दूरी पे थे, लेकिन जैसे ही वो नेगेटिव चार्ज हुआ, जैसे ही वो पॉजिटिव चार्ज हुआ, ए ने बी को अट्रैक्ट करा और ए और बी के बीच का जो बॉन्ड लेंथ था वो कम हो गया, क्योंकि वो दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो गया, दोनों का बॉन्ड लेंथ कम हो गया। तो अगर बॉन्ड लेंथ कम हो गया तो आप कैसे कहोगे कि भाई ये रेडियस सही है, जो रेडियस होना चाहिए था उससे तो रेडियस कम हो गया, क्योंकि आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू आर ए बी होना चाहिए था, लेकिन ये बॉन्ड डिस्टेंस तो कम हो गया, बॉन्ड डिस्टेंस के कम होते ही रेडियस पे इफेक्ट आएगा। तो स्टीवेंसन और शूमेकर ने एक करेक्शन डाला था इसमें, वो करेक्शन है 0.09
एक्स ए और एक्स बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ए और बी की। तो अगर हम ये करेक्शन इसमें ऐड करते हैं और तब कैलकुलेट करते हैं रेडियस उन मॉलिक्यूल्स का जिसमें एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो सही आते हैं। अगर वो करेक्शन नहीं डालते हैं तो ये रेडियस एक्चुअल रेडियस से कम आते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कोवेलेंट रेडियस पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड दिखाते हैं। अगर हम ग्रुप में पढ़ें, अगर हम ग्रुप में देखें तो क्या ट्रेंड आएगा, या अगर आपकी रफ पीरियोडिक टेबल है या आपके 8 मेन ग्रुप्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को निकालकर अगर ये 8 मेन ग्रुप्स हैं और आप ग्रुप्स में ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो एटॉम कोवेलेंट रेडियस को, तो कोवेलेंट रेडियस इंक्रीज हो जाता है। हम एक दो का देखते हैं, लिथियम का 1.34 एंगस्ट्रॉम है, सोडियम का 1.54 एंगस्ट्रॉम है और पोटेशियम का 1.96 एंगस्ट्रॉम है। तो अब आप देख रहे हो कि आप लिथियम से आपने सोडियम पे जंप मारी तो एटॉमिक रेडियस यानी कि कोवेलेंट रेडियस बढ़ गया, सोडियम से पोटेशियम पे गए तो वो भी कोवेलेंट रेडियस बढ़ गया। तो ये क्या ट्रेंड है कि अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कोवेलेंट रेडियस इंक्रीज हो रहा है, ऐसे ही सारे ग्रुप्स में आपको दिखेगा। ठीक है, तो उसका क्या रीजन है? इसका रीजन है लिथियम को देखते हैं, लिथियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1s2 और 2s1। ठीक है, यानी कि दो शेल्स हैं फर्स्ट और सेकंड। सोडियम में क्या है 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, जैसे ही आप लिथियम से सोडियम पे आए एक शेल एक्स्ट्रा हो गई, जहां दो शेल हुआ करती थी वहां तीन शेल हो गई। तो अब आप सोचो कि लिथियम का जो न्यूक्लियस था उसका कमांड अभी तक दो ही शेल्स के ऊपर था, यानी कि आप दो शेल समझ लो दो कमरों के ऊपर लोग थे, दो कमरों में दो लोग तीन लोग थे। ठीक है, अब सोडियम में आते ही इसको स्ट्रेंथ तो मिली लेकिन ये लोग कितने तीन कमरों में मिल गए। तो अगर वो इनके ऊपर अपनी स्ट्रेंथ फोर्स दिखाता भी है तो एस वाला इस वाले शेल में नहीं आ सकता, पी इस वाले ए वाले इलेक्ट्रॉन्स इस वाले शेल में नहीं आ सकते। ये थोड़ी थोड़ी दूरी तो बढ़ सकते हैं, इससे ज्यादा तो ये नहीं बढ़ सकते। तो इसकी वजह से नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से एटॉमिक साइज बढ़ता चला जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हो हर ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते चले जाते हैं। न्यूक्लियर फोर्स भी बढ़ रहा है लेकिन नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर फोर्स इतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपस में रिपल्शन भी होता है। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा थोड़े ही पास आएगा, ज्यादा पास नहीं आ सकता, क्योंकि P6 वाला इलेक्ट्रॉन कहेगा चल भाई दूर रह, ठीक है कहाँ आ रहा है मेरे कमरे में। तो अगर सोडियम का न्यूक्लियस इसे खींचे भी तो ज्यादा से ज्यादा थोड़ी दूरी खींचेगा, क्योंकि कमरे बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गई हैं, इसकी वजह से ये कोवेलेंट रेडियस बढ़ता चला जाता है ग्रुप में। ठीक है, अब पीरियड में देखेंगे, बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। बेरिलियम का है 0.9 एंगस्ट्रॉम, बोरोन का है 0.82 एंगस्ट्रॉम, कार्बन का 0.77, नाइट्रोजन का 0.75, ऑक्सीजन का 0.73 और फ्लोरीन का है 0.72।
अब सोचने की बात है, अभी तो हम कह रहे थे कि भाई ऊपर से नीचे आ रहे हो तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, यानी कि कमरे बढ़ रहे हैं, तो आपने कहा कि हाँ भाई एटॉमिक साइज बढ़ना चाहिए, पर इस केस में क्यों कम हो रहा है? नंबर ऑफ शेल्स तो सेम ही है, तो सेम ही होना चाहिए। भाई बोरोन का अगर आप देखो, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, लिथियम का तो 1s2 2s1, बेरिलियम का 1s2 2s2, बोरोन का 1s2 2s2 2p1, कार्बन का 1s2 2s2 2p2। तो आप जितने भी पीरियड में इधर लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है, हर एक में दो ही शेल हैं, दो ही कमरे हैं, वन और टू, सिर्फ उन्हीं शेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। तो जब कमरे का साइज नहीं बढ़ रहा तो इलेक्ट्रॉन आने से साइज में फर्क क्यों आ रहा है? सेम होना चाहिए, क्यों नहीं सेम है? तो क्यों नहीं सेम है, क्योंकि जैसे जैसे आप इधर से इधर की तरफ बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल्स तो नहीं बढ़ रहे हैं पर नंबर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स हर एलिमेंट के साथ बढ़ता चला जा रहा है। तो जब वो न्यूक्लियर फोर्स बढ़ता है तो वो जो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है उसको अपनी तरफ और खींचता चला जाता है। तो जब खींचता है अपनी तरफ, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियर फोर्स का जो इफेक्ट है वो ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस की तरफ आते जाते हैं और कोवेलेंट रेडियस छोटा होता चला जाता है। हालांकि आप देखेंगे ये डिफरेंस ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, बहुत कम है, पर है, फिर भी है, एक ट्रेंड है, यहाँ इधर की तरफ डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा है एटॉमिक साइज का जो ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट दूसरा है, वो है आयोनिक रेडियस। अभी हम कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे तो रेडियस कोवेलेंट रेडियस था। अब सारे मॉलिक्यूल्स तो कोवेलेंट बॉन्डेड नहीं होते, कुछ मॉलिक्यूल्स आयोनिक बॉन्डेड भी होते हैं जिसमें कि कैटायंस और एनायंस फॉर्म करके बनाते हैं वो। तो उन मॉलिक्यूल्स में जो आयंस का रेडियस होगा वो आयोनिक रेडियस कहलाएगा। हम सिंगल एटम का, न्यूट्रल एटम का वैसे तो रेडियस नहीं निकाल पा रहे हैं, हम कोवेलेंट बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स का रेडियस निकाल रहे हैं या आयनिक बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स का रेडियस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जो आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं, जो केटायन और एनायन बनाकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उनमें जो आयंस का रेडियस होगा उसको आयनिक रेडियस कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, अगर लिथियम है, न्यूट्रल एटम है, अब दो तरह के आयंस होते हैं, कैटायन और एनायन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, तो हमें दोनों का रेडियस कंसीडर करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि दोनों का रेडियस एक जैसे ही वेरी करता है, रेडियस ऑफ कैटायन। ठीक है, लिथियम लिया हमने जो कि एक न्यूट्रल एटम है और उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और पॉजिटिव आयन बना दिया। ठीक है, अब इसका हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या था, 2s2 2s1। जैसे ही उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रह गया, 1s2। अब लिथियम कैटायन जो बना है उसका आयोनिक रेडियस आप बताइए, ज्यादा होना चाहिए इस न्यूट्रल एटम से या कम होना चाहिए? अब आप देखेंगे जैसे ही इसने लिथियम आयन बनाया, इसने एक शेल पूरी की पूरी गायब कर दी, 2s तो है ही नहीं कहीं पे, यानी कि एक कमरा खत्म। एक कमरा खत्म होते ही जब घर तो छोटा ही हो जाना है, यहाँ दो कमरों का घर था, यहाँ एक कमरे का घर है, तो घर तो छोटा हो ही जाएगा। लेकिन ये और भी छोटा क्यों हो जाता है, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज था वो इन दो इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ गया। पहले तो 3 प्रोटॉन का फोर्स इस पे लग रहा था, 3 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है भाई, अब 3 प्रोटॉन तो कहीं नहीं गए ना इसके,
तीन प्रोटॉन का फोर्स अब दो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लग रहा है और वो कह रहा है भाई मेरे पास और आ जा, करीब आ जा, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इन तीन प्रोटॉन्स ने मिलकर दो इलेक्ट्रॉन्स को और अपनी तरफ खींच लिया। तो इसका आप रेडियस देखेंगे, इसका रेडियस है 1.34 एंगस्ट्रॉम और इसका रेडियस है 0.60 एंगस्ट्रॉम। तो ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ये थोड़ा बहुत डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा है। एक तो रूम कम हो गया, एक शैली कम हो गई, दूसरा न्यूक्लियर फोर्स ने उन दो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ खींच लिया। तो जब अपनी तरफ खींच लिया तो और जो छोटा हो चुका था घर, वो और छोटा हो गया, तो आपका रेडियस कैटायन का छोटा हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम ने दो इलेक्ट्रॉन निकाले और मैग्नीशियम 2+ आयन बन गया। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। दोनों इलेक्ट्रॉन निकले तब इसका बन गया 1s2, 2s2, 2p6। यहाँ तीन शेल्स थी, जैसे ही इसने एक मैग्नीशियम का टाइम बनाया इसके पास सिर्फ दो शेल्स रह गए। एक रूम कम हो गया, एक रूम कम हो गया, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ गया, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ने के बाद ये और पास आ गए न्यूक्लियस के जितने ये दूर हुआ करते थे। इसका कोवेलेंट रेडियस है 1.30 एंगस्ट्रॉम और इसका कोवेलेंट रेडियस है 0.65 एंगस्ट्रॉम। देख सकते हैं कितना डिफरेंस है, हाफ के बराबर है, बिल्कुल ये हाफ पे आ गया, जहां इतना हुआ करता था अब ये इतना रह गया। अब देखते हैं आयनिक रेडियस का ट्रेंड क्या है। इन अ ग्रुप फिर से हमें बनानी पड़ेगी। इसमें है लिथियम प्लस का है आयनिक रेडियस 0.60, सोडियम का है 0.98, पोटेशियम का है 1.33 एंगस्ट्रॉम और रुबिडियम का है 1.48 एंगस्ट्रॉम, सीजियम का है 1.67 एंगस्ट्रॉम। तो अगर एक ग्रुप में आप टॉप टू डाउन जाएंगे तो आपको लगे, आपको पता चलेगा कि आयोनिक रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है। कोवेलेंट रेडियस तो इंक्रीज हो ही रहा था, आयोनिक रेडियस भी इंक्रीज वाला ट्रेंड ही दिखा रहा है। इसका एक ही रीजन है कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाते हैं नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने का मतलब है एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज बढ़ गया है लेकिन आपने उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो भी वो ट्रेंड वही रहेगा। एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे बढ़ रहा है तो भी आयनिक रेडियस का ट्रेंड भी वही रहेगा, ऊपर से नीचे बढ़ता हुआ, इंक्रीज करता हुआ। ठीक है, अब आप पीरियड में देखते हैं। अगर हम पीरियड में अभी ग्रुप में देखा कि ऊपर से नीचे बढ़ रहा है, सिर्फ एक ही रीजन था कि एटॉमिक साइज उसका बढ़ रहा है, न्यूक्लियर फोर्स उसका इन्फ्लुएंस इतना नहीं होता है, तो
ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से आयनिक रेडियस भी बढ़ता जा रहा है। अब एक पीरियड में देखेंगे कि क्या हो रहा है। पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो दो तरीके के आयन बन रहे हैं, लेफ्ट साइड में कैटायन बन रहे हैं और राइट साइड में एनायन बन रहे हैं। तो कैटायन का ट्रेंड अलग देखेंगे और एनायन का ट्रेंड अलग देखेंगे। कैटायन का ट्रेंड ये है कि इसका जो साइज है 0.60, 0.30, 0.20, लेफ्ट टू राइट जाने पर ये डिक्रीज हो रहा है, आयनिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। इसका रीजन भी वही है, लिथियम में 1s2 प्लस 1s2, बेरिलियम 2+ 1s2, बोरोन 3+ 1s2, इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है पर इनका न्यूक्लियर फोर्स अलग है। इसके अंदर तीन प्रोटॉन है, तीन प्रोटॉन का न्यूक्लियर फोर्स है, इसमें चार प्रोटॉन का न्यूक्लियर फोर्स है, इसमें पांच प्रोटॉन का न्यूक्लियर फोर्स है। तो तीन प्रोटॉन का दो इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर फोर्स है, यहाँ पे चार प्रोटॉन का दो इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर फोर्स है, यहाँ पे पांच प्रोटॉन का दो इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर फोर्स है। तो जैसे जैसे देख रहे हैं आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, न्यूक्लियर फोर्स तो बढ़ रहा है, न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा प्रोमिनेंट है, इसकी वजह से आपका आयनिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर अब आप एनायंस देखें तो एनायंस का साइज का ट्रेंड भी यही है। ऑक्सीजन टू आयंस लेके 10 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास इस वक्त, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके 10 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना लिया उसने, 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके पास प्रोटॉन कितने हैं न्यूक्लियस में 8, इसके पास प्रोटॉन कितने हैं न्यूक्लियस में 9, तो 8 प्रोटॉन का न्यूक्लियर फोर्स 10 इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है। इस फ्लोरीन के केस में 9 प्रोटॉन का न्यूक्लियर फोर्स 10 इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, तो इसमें ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है तो ये ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, तो फ्लोरीन का साइज छोटा हो जाएगा, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में फ्लोरीन का साइज छोटा हो जाएगा, तो ये भी डिक्रीज करेंगे। अगर आप लेफ्ट टू राइट एनायंस में भी जाएंगे तो भी आपको आयनिक रेडियस का साइज डिक्रीज होता हुआ ही दिखाई देगा। होप आशा करती हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर उसके बावजूद भी आपके पास कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है आपको, तो आप इस ईमेल एड्रेस पे ईमेल कर सकते हैं। इस ईमेल एड्रेस पे ईमेल करिए, मैं आपको जवाब दूंगी, जितना हो सकेगा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।